नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट इंडिया रिव्यू में आपका स्वागत है। दोस्तों, गर्मी में ठंडक और ज़बरदस्त हवा चाहिए तो आपके पास एक बढ़िया क्वालिटी का एयर कूलर होना मस्ट है। सो आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं 5 बेस्ट ऑपरेटेड डेजर्ट एयर कूलर, जिसे आप अपने होम के लिए परचेज कर सकते हैं। डेजर्ट कूलर उन एरिया के लिए सूटेबल है जब ह्यूमिडिटी लो है और टेम्परेचर थोड़ा हाई है। ये सभी डेजर्ट कूलर लार्ज साइज रूम के लिए सूटेबल है। यहाँ एक बात नोट करने वाली है कि अगर आपको इफेक्टिव कूलिंग इन कूलर से चाहिए तो रूम में क्रॉस वेंटिलेशन को अलाउ करना मस्ट है। ये सारे प्रोडक्ट बेस्ट हैं, आप अपने बजट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इन्हें परचेज कर सकते हैं। इन सारे प्रोडक्ट्स के बेस्ट बाइंग लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से इन प्रोडक्ट को चेकआउट कर सकते हैं। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस लिस्ट में पहले नंबर पर आती है क्रोमटम ऑप्टिमस डेजर्ट एयर कूलर। बात करें इसके फीचर्स की तो इस एयर कूलर की टैंक कैपेसिटी 100 लीटर की है, जिसे आप लॉन्ग आवर तक से यूज कर सकते हैं। इसमें आपको सभी नेसेसरी फीचर जैसे आइस चैम्बर, 4-way एयर डिफ्लेक्शन के लिए ऑटो स्विंग लवर्स, इजी क्लीनिंग के लिए वाटर ड्रेन प्लग और इजी मोबिलिटी के लिए 5 कैस्टर व्हील्स मिल जाता है। इसका एयर थ्रू अप टू 55 फीट तक का है, जो बेटर एयर थ्रू है। इसे ABS थर्मोप्लास्टिक से तैयार किया गया है, जो कि एक्सट्रीमली ड्यूरेबल है। इसका एयर डिलीवरी रेट 5500 m³ पर आवर का है, जो अप टू 650 square feet रूम के लिए सूटेबल है। इसका ऑटो फिल फंक्शन कंटिन्यूस वाटर सप्लाई को इंश्योर करता है, जिसे मैक्सिमम कूलिंग को एंजॉय कर सकते हैं। ये कूलर काफ़ी कम एनर्जी को कंज्यूम करता है और इन्वर्टर के साथ भी कंपेटिबल है। वारंटी की बात करें तो प्रोडक्ट पर 1 ईयर वारंटी अवेलेबल है। ये एयर कूलर डिफरेंट साइज वेरिएंट में अवेलेबल है, आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इन्हें परचेज कर सकते हैं। अगर बात करें इसकी प्राइसिंग की तो ये प्रोडक्ट 13,000 के प्राइस रेंज में आती है। अगर आप 13,000 के प्राइस सेगमेंट में एक लार्ज साइज डेजर्ट एयर कूलर परचेज करना चाहते हैं तो आप इसके साथ जा सकते हैं। लार्ज साइज रूम के लिए बहुत ही सूटेबल है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आती है सिम्फनी सुमो 75XL डेजर्ट एयर कूलर। बात करें इसके फीचर्स की तो एयर कूलर बिग साइज रूम के लिए इफेक्टिव है। इसकी टैंक कैपेसिटी 75 लीटर की है, जिसे आप इसे लॉन्ग आवर तक यूज कर सकते हैं। बेहतर ठंडक देने के लिए इसमें हनीकॉम कूलिंग पैड्स का इस्तेमाल किया गया है। इसमें आपको सभी कॉमन फीचर जैसे आइस एंड वाटर चैम्बर, इजी फिलिंग थ्रू टैप, वाटर लेवल इंडिकेटर, वाटर ओवरफ्लो आउटलेट और वाटर रिलीज वाल्व जैसा फीचर मिल जाता है। ये एयर कूलर इजी टू यूज डायलॉग के साथ आता है, जिसे आप आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। ये एयर कूलर ज़बरदस्त ठंडक देता है और इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन काफ़ी लो है, इससे आप लार्ज साइज रूम के लिए भी यूज कर सकते हैं। इसमें दिया गया आई प्योर मल्टी स्टे एयर फिल्टर हार्मफुल बैक्टीरिया और पोल्यूशन को रोकने में हेल्पफुल होता है। इसमें आपको सभी बेसिक फीचर मिल जाएंगे। ये डेजर्ट कूलर डिफरेंट साइज वेरिएंट में भी अवेलेबल है, आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर बात करें इसकी प्राइसिंग की तो ये प्रोडक्ट 11,000 के प्राइस में आती है। 11,000 के प्राइस सेगमेंट में सिम्फनी की तरफ से बेस्ट डेजर्ट एयर कूलर है, आप इसे बिग साइज रूम या हॉल के लिए परचेज कर सकते हैं। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आती है क्रोमटम ओजोन डेजर्ट एयर कूलर। बात करें इसके फीचर्स की तो ये 75 लीटर के साइज वाला कॉम्पैक्ट लेकिन दमदार डेजर्ट एयर कूलर है। ये एयर कूलर 55 लीटर और 88 लीटर वेरिएंट में भी अवेलेबल है, आप अपने रूम के साइज के अकॉर्डिंग से परचेज कर सकते हैं। ये एयर कूलर हाई वाटर रिटेंशन कैपेसिटी वाले हनीकॉम पैड के साथ आ रहा है, जिसे सुपीरियर कूलिंग में हेल्प करता है। ये कूलर अप टू 550 square feet रूम के लिए आइडियल है। इसमें आपको 3 स्पीड सेटिंग मिल जाएगी, आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग स्पीड को सिलेक्ट कर सकते हैं। एयर डिलीवरी रेट की बात करें तो ये 1 आवर में 4600 m³ एयर को डिलीवर करता है। इसमें आपको 4 कैस्टर व्हील्स मिल जाती है, जिससे इसकी मोबिलिटी काफ़ी आसान हो जाती है। इसमें आपको सभी नेसेसरी फीचर मिल जाएंगे, आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर बात करें इसकी प्राइसिंग की तो इसके 75 लीटर वेरिएंट 10,000 के प्राइस में अवेलेबल है, आप अदर वेरिएंट्स के प्राइस को चेकआउट कर सकते हैं। ये एक टॉप रेटेड मोस्ट सोल्ड डेजर्ट एयर कूलर है, हमारी तरफ से ये 3rd रिकमेंडेड प्रोडक्ट है। इस लिस्ट में 4th नंबर पर आती है हैवेल्स सीलिया डेजर्ट एयर कूलर। बात करें इसकी फीचर्स की तो इसकी वाटर टैंक कैपेसिटी 55 लीटर की है, जो मीडियम साइज रूम के लिए इफेक्टिव है। इसमें आपको लो नॉइज कूलिंग और अदर फीचर्स मिल जाता है। एयर डिलीवरी रेट की बात करें तो इस एयर कूलर में 3500 m³ की एयर डिलीवरी रेट है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। इसमें आपको फुली कोलेप्सिबल लोवर्स मिल जाता है, जो डस्ट और इंसेक्ट को कूलर में एंटर होने से रोकता है। इसके 3 साइड पर हनीकॉम कूलिंग पैड्स लगाए गए हैं, जो सुपीरियर कूलिंग में हेल्प करते हैं। इन पैड्स की मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट काफ़ी लो है और लॉन्गेविटी भी काफ़ी अच्छी है। ये कूलर ऑटो फिल फीचर के साथ आता है, जिससे कंटिन्यूस वाटर सप्लाई बना रहता है और इसको मैनुअली फिल करने की जरूरत नहीं होती है। ये एयर कूलर इन्वर्टर के साथ भी कंपेटिबल है। वारंटी की बात करें तो प्रोडक्ट पर 1 ईयर वारंटी अवेलेबल है। अगर बात करें इसकी प्राइसिंग की तो ये प्रोडक्ट 11,000 के प्राइस में आती है। हैवेल्स ब्रांड की तरफ से ये भी एक बेस्ट डेजर्ट एयर कूलर है, आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। हैवेल्स कूलर मेकिंग में एक रिनॉन्ड ब्रांड है, आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। इस लिस्ट में 5वें नंबर पर आती है बजाज DC 2050 DLX डेजर्ट कूलर। बात करें इसके फीचर्स की तो ये 70 लीटर के साइज वाला दमदार डेजर्ट एयर कूलर है। इसमें आपको स्पेशली डिजाइन कूलिंग मीडिया मिल जाता है, जो लो वाटर कंजम्पशन के साथ मैक्सिमम कूलिंग को इंश्योर करता है। इसका टर्बो फैन टेक्नोलॉजी
इफिशियंट सर्कुलेशन ऑफ एयर को इंश्योर करता है। इसमें आपको आइस चैम्बर मिल जाएगी जिसमें आप आइस क्यूब को स्टोर कर सकते हैं और अपने कूलिंग एक्सपीरियंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये एयर कूलर अप टू 600 स्क्वायर फीट रूम के लिए सूटेबल है। इसके तीन साइड्स पर हनीकॉम कूलिंग पैड्स लगाए गए हैं जो मैक्सिमम कूलिंग में हेल्प करते हैं। इसमें आपको सभी बेसिक फीचर जैसे वाटर लेवल इंडिकेटर, कैस्टर व्हील्स और बैक्टीरिया फिल्टर जैसा फीचर मिल जाता है। ये एयर कूलर डिफरेंट वेरिएंट में भी अवेलेबल है, आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर बात करें इसकी प्राइसिंग की तो ये प्रोडक्ट 9,500 के प्राइस रेंज में आती है। 10,000 के प्राइस सेगमेंट में लार्ज कैपेसिटी वाले बेस्ट एयर कूलर है, आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। बजाज की तरफ से बेस्ट प्रोडक्ट है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। नमस्कार।